बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकी विलेज किला किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी में बना रहे हैं दावत स्पेशल चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। चले इसको शुरू करते हैं। मेरे पास ये 3 किलो चिकन है, तो इसको मैंने इस तरह के पीस करवा लिए हैं, छोटे छोटे कढ़ाई वाले। तो ये मेरे पास 3 किलो, इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। ये मेरे पास टमाटर का पेस्ट है 1/2 किलो। ये मेरे पास 1/2 किलो प्याज है, इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है। ये मेरे पास 1 कप दही का है। ये कुकिंग ऑयल है। ये सब्ज़ मिर्ची और अदरक है, ये मैं काट लूँगी इसको। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी 1 टेबल स्पून डाली है। चले कढ़ाई को बनाना शुरू कर। चले कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, साथ ही ये वाला पेस्ट डाल देंगे। अब इसको मिक्स करके मैं 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लेती, फ्राई कर लेती। प्याज मैंने भून ली है, तो अब इसमें जाएगा ये चिकन। चलिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको मैं 3 मिनट तक कलर देने होने तक इसको मैं इसी तरह भून लूँगी। मैंने भून लिया अच्छी तरह। अब इसमें ये वाला दही जाएगा, साथ ही इसमें टमाटर चले जाएंगे, सुरख मिर्चे जाएंगी इसमें, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और काली मिर्चें चल जाएंगी, धनिया और नमक चला जाएगा। चले अभी सारे मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चले मैं सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको मैं ढक के 10 मिनट तक पका लूँगी। चले 10 से 12 मिनट हो गए मुझे। देखिए माशाल्लाह हमारी दावत स्पेशल चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, कटा हुआ धनिया डालेंगे, कटी हुई स्लाइस में अदरक डालेंगे इसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसका चूल्हा बंद करके 2 मिनट तक मैं दम पे रख के इसको डिश आउट कर दी। चले 10 से 12 मिनट हो गए मुझे। देखिए माशाल्लाह हमारी दावत स्पेशल चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, कटा हुआ धनिया डालेंगे, कटी हुई स्लाइस में अदरक डालेंगे इसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसका चूल्हा बंद करके 2 मिनट तक मैं दम पे रख के इसको डिश आउट कर दी। चलिए ये देखिए मज़ेदार दावत स्पेशल हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लें। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।